दोस्तों लगभग 15 साल बाद युवराज सिंह और हर्षल गिब्स का 6 गेंदों पर 6 छक्कों वाला रिकॉर्ड अब पूरी तरह टूट चुका है, जहां इस रिकॉर्ड को इंडियन ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने आज तोड़ा है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 गेंदों पर 36 नहीं बल्कि 6 गेंदों पर 43 रन बनाए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने ये कारनामा विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में उत्तर प्रदेश के खिलाफ करके दिखाया है। अगर ऋतुराज गायकवाड़ के 7 छक्कों की हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो 49वें ओवर की पहली बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 लगाया। 49वें ओवर की दूसरी बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 लगाया। 49वें ओवर की तीसरी बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने इस बार डीप स्क्वायर लेग पर खड़े प्लेयर के ऊपर से 6 लगाया। शिवा सिंह की चौथी बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से भी 6 लगा दिया। ओवर की पांचवी बॉल शिवा सिंह ने नो बॉल डाली, जिस पर ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर से 6 लगा दिया, जहां 4 गेंदों पर 31 रन बन चुके थे। ओवर की पांचवी बॉल शिवा सिंह को फिर से डालनी पड़ी, जो कि फ्री हिट थी, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने इस फ्री हिट बॉल पर भी 6 लगा दिया। ओवर की लास्ट बॉल पर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने इस ओवर का 7वां 6 लगाया, जहां ये बॉल डीप मिड विकेट के प्लेयर के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में चली गई। तो दोस्तों शिवा सिंह के ओवर से कुल 7 6 लगाकर ऋतुराज गायकवाड़ ने पूरे ओवर से कुल 43 रन जोड़े। ऋतुराज गायकवाड़ यही नहीं रुके और पूरी इनिंग्स में कुल 220 रन बनाए, वो भी सिर्फ 160 गेंदों पर, जिसमें 10 चौके और 16 छक्के शामिल थे। तो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ की इस इनिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे और क्या ऋतुराज गायकवाड़ को वर्ल्ड कप 2023 में एज अ ओपनर सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।